हम पता नहीं क्यों रूल फॉलो करने में शायद अपनी इंसल्ट समझते हैं ये ज़रूरी है कि हम डंडे से ही सबको ठीक करें हम सिर्फ बच्चों का ही क्यों कसूर निकालते हैं हम अपना कसूर क्यों नहीं निकालते डेली कम से कम दो हज़ार गाड़ी रेड लाइट जंप करती है ट्रैफिक प्रॉब्लम्स आर वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग ऑलमोस्ट एवरी डे एंड टू टैकल दिस प्रॉब्लम्स ट्रैफिक पुलिस ऑलवेज प्ले अ वेरी वाइटल रोल वी आर हेयर इन स्मार्ट सिटी लुधियाना टू इंट्रोड्यूस यू टू ए डी सी पी ऑफ ट्रैफिक पुलिस मिस्टर सुखपाल सिंह बराड़ हु विल गिव अ सिक्योर एंड सम सिक्योर टिप्स फॉर सेफ एंड हेजल फ्री ड्राइविंग हेलो सर वेलकम टू टाइम्स पंजाब टी वी थैंक यू थैंक यू जी सर सबसे पहले आप ये बताइए कि हमने सुना है कि आप इस लाइन में आने से पहले गेम्स उस फील्ड में थे तो आपका इस लाइन में आना कैसे हुआ uh, मैं एक्चुअली बेसिकली स्पोर्ट्स मैन हूँ मैं वॉलीबॉल प्लेयर हूँ मैं टोटल 20 साल स्पोर्ट्स की है और uh, 11 साल मैं कंट्री से खेला हूँ और चार साल मैं इंडिया टीम का कैप्टन रहा हूँ okay. और 2000 में मेरे को प्रेजिडेंट uh, से अर्जुन अवार्ड मिला जो हमारा स्पोर्ट्स का हाइस्ट अवार्ड है तो स्पोर्ट्स बेस पर मैंने ज्वाइन किया था एज़ ए सब इंस्पेक्टर उसके बाद फिर एट्टी सिक्स एशियन गेम में हमारा ब्रॉन्स मेडल था उसके बाद मैं इंस्पेक्टर प्रमोट हुआ बाद में रूटीन में प्रमोशन जो डी एस पी एस पी की सर अभी जैसे आप जिस फील्ड में हैं ट्रैफिक से रिलेटेड तो आपको क्या लगता है कि ट्रैफिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हमारी स्मार्ट सिटी लुधियाना में है वो उनकी रेशो पहले के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम हुई है या फिर वो डेली बेसिस पे इंक्रीज हो रही है ट्रैफिक की प्रॉब्लम जो है वो पहले से थोड़ी बड़ी इसलिए है के एक तो एलिवेटेड रोड बन रहा है फ़िरोजपुर टू फरोजपुर रोड से लेके समराला चौक तक और एक आपको पता ही है बड़े सालों से पिछले कई सालों से जो है जुगराव ब्रिज जो बंद पड़ा हुआ है इस रिगार्डिंग यहाँ ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा हुई है और रोड्स वही हैं और व्हीकल और नंबर व्हीकल ऑफ नंबर जो हैं वो बढ़ चुके हैं पहले से ज़्यादा और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है जो मेरा पिछले डेढ़ साल का एक्सपीरियंस है कि इसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं ट्रैफिक जाम के हम पता नहीं क्यों रूल फॉलो करने में शायद अपनी इंसल्ट समझते हैं चंडीगढ़ जाके हम देखो कितने अच्छे रूल फॉलो करते हैं या तो वहाँ डर होता है मैं यही कहूँगा मैं कई बार यहाँ लोगों को बोला हूँ कि चंडीगढ़ जाके आप रूल क्यों फॉलो करते हो यहाँ क्यों नहीं करते है? उनका ये को, आंसर होता है कि वहाँ ज़्यादा सख्ती होती है इसलिए वहाँ ट्रैफिक रूल फॉलो होते हैं यहाँ सख्ती नहीं है मगर मैं मेरा क्वेश्चन फिर उनसे यही होता है कि यह जरूरी है कि हम डंडे से ही सबको ठीक करें यहाँ आप डंडे से ही सुधरो हमारी खुद की ड्यूटी कुछ नहीं है हमारी कंट्री के लिए हमारी कोई ड्यूटी नहीं है हमारे लिए कोई ड्यूटी नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए हमारी कोई ड्यूटी नहीं है सिर्फ अपना ही हमने देखना है तो क्यों नहीं हम बिना डर से बिना पुलिस के डर से बिना डंडे से हम क्यों नहीं डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। जैसे फ़ौरन के लोग करते हैं हमारी सोच बदलने की ज़रूरत है हमारी हमारी हर एक इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की ज़रूरत है फेरी ये सिर्फ ट्रैफिक नहीं है इस कंट्री का भला फेरी हो सकता है सिर्फ ट्रैफिक तो एक बहुत छोटा पार्ट है किसी भी काम में ले लो आप अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो मेरा ख्याल है अभी कंट्री वो कंट्री कभी भी वो तरक्की नहीं कर सकता लुधियाना कि हम भी ये चीज़ फील करते हैं कि जो एक ट्रैफिक पुलिस के जो एक रोल होता है मेन की ट्रैफिक को कंट्रोल करना है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ में हम कहीं ना कहीं लैक फील कर रहे हैं कि वो एक दिन कोई हमें खड़ा हुआ दिखाई देता है बट सेकेंड है हमें वो चीज़ नहीं दिखती रोड्स पर तो आपको नहीं लगता कि उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उस चीज़ को स्ट्रिकनेस से फॉलो किया जाए मतलब ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हमारी हमेशा ट्राई यही होती है कि वो बड़े अच्छे तरीके से ट्रैफिक लुधियाना का चलना चाहिए यहाँ तक आप आपने क्वेश्चन किया ड्यूटी की भी एक दिन वहाँ होता है दूसरे दिन नहीं होता एक तो कई बार वीआईपी ड्यूटी होती है और उसमें जो सबसे बड़ी देखो सुबह आठ बजे से लेके हमारे जो जवान हैं जहाँ हम मैं भी छः से आठ घंटे रोड पे रहता हूँ हमारे एसीपी साहब भी है सिंह वो भी रोड पे रहते हैं हालांकि आम लोग जो कहते हैं कि पुलिस ड्यूटी नहीं करती तो मैं मैं उनको यही क्वेश्चन करता हूं कि आप कभी हमारे साथ आके खड़े होकर ड्यूटी करके देखो कैसे ड्यूटी होती है सुबह आठ बजे से ले के शाम के द, रात के दस बजे हैं ट्रैफिक पुलिस को और नॉन स्टॉप ड्यूटी होती है सिर्फ उसमें चाय पी ली या खाना खा ले वही लोगों को चुपता रहता है भाई अभी तो मुलाजिम था अभी कहाँ गया एक्चुअली ह्यूमन बीइंग है वो भी इंसान है कभी देखो तो सही हमारे साथ आके भी कितनी ड्यूटी कितनी मुश्किल है और कितना देखो हमारे जो ट्रैफिक पुलिस मुलाजम है नीचे वाले बेचारे कितना धुआं कितना डस्ट डेली उनके अंदर जाता है ये बातें करने करनी पब्लिक के लिए बड़ी आसान है किसी को माइक पकड़ा दो ना वो अपने आप को देशभक्त समझता है और सामने वाले सारे उसको चोर चोर लगते हैं मगर वो खुद क्या करते हैं मैं मेरे पास हर एक क्वेश्चन का आंसर है ट्रैफिक के रिगार्डिंग मेरे को कोई भी आप मैं मेरा चैलेंज आया कोई भी आप मेरे को क्वेश्चन करेगा पब्लिक का तो मेरे को हर बात का आंसर है मगर मेरा एक ही क्वेश्चन है कि क्या हम अपनी ड्यूटी सब करते हैं हमारी क्या ड्यूटी है हमारी सोसाइटी के लिए हमारे कंट्री के लिए हमारे कंट्री के फ्लैग के लिए क्या ड्यूटी है कभी हमने अपने बच्चों को बताया बेटा तेरी तेरे कंट्री के लिए क्या ड्यूटी है तेरे कंट्री के फ्लैग के लिए तेरी क्या ड्यूटी है हमारे संस्कार सिर्फ इतने होते हैं बच्चा बेटे आप अपनी अपना पेट देखो अपने बच्चों का पेट देखो अपने माँ बाप को देखो बस कंट्री के लिए हमने कुछ नहीं है यही फर्क का हमारा और फॉरन का आपने बहुत अच्छा आंसर दिया एक चीज और बताइए जो हम आजकल के किड्स देख रहे हैं बिलो 18 जिनका लाइसेंस भी नहीं बनता बट स्टिल वो टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स को इतना रैशली इतना फास्ट ड्राइव करते हैं ठीक है हम नोट करते हैं कि उनको रोका भी जाता है उनके चलान भी करते हैं बट स्टिल वो स्टिकनेस हम नहीं देख पा रहे जो होनी चाहिए एक्जैक्टली exactly. नहीं स्टिकनेस है नो डाउट अंडरएज बच्चे ड्राइव भी करते हैं मगर उनकी रिस्पॉन्सि रिस्प, उनका रिस्पॉन्सिबल कौन है उनके माँ बाप उनके बड़े भाई बहन तो क्यों नहीं वो अपने घर से स्टार्ट करते क्यों अपने बच्चों को वो uh, अंडर एज को वो गाड़ी देते हैं मेरी दो बेटियां हैं मैंने तो कभी उनको अंडर एज में गाड़ी नहीं दी थी ना कभी उनका लाइसेंस बना सर एक चीज़ बताइए अगर ठीक है अगर आपने किसी किड्स को ऐसे सपोज आपने उनको रोका भी है रोड पे बट जब आप उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं क्या उन उनके ऊपर कोई ऐसी स्टिकनेस नहीं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए हम करते भी हैं मैं तो कभी भी बच्चों को जब जो, जो अंडर एज है या जो विदाउट हेलमेट है विदाउट डॉक्यूमेंट जो है मैं उनको उनके हमेशा उनके पेरेंट्स से बात करता हूँ और उनको भी मैं गुस्सा होता हूँ भी आपकी ड्यूटी नहीं बनती है, आप अपने बच्चों को समझाएँ ज़रूरी थोड़ी अभी कोई दूसरा समझाए जहाँ पुलिस ही समझाए हमारी भी तो ड्यूटी है हमारे बच्चों के बोल और एक मैं आपको ना और बात बताना चाहता हूँ जैसे हम जब जो बड़े लोग हैं हम जो सीनियर हैं बच्चों वाले हैं हम सिर्फ बच्चों का ही क्यों कसूर निकालते हैं हम अपना कसूर क्यों नहीं निकालते मेरा जो एक्सपीरियंस था पिछले डेढ़ साल का सबसे ज़्यादा रेड लाइट जंप अब अब थर्टी ईयर ओल्ड करते हैं तीस साल से ऊपर मैंने कई बार स्पेशल मुहिम चलाई है रेड लाइट के खिलाफ जैसे पार्थ नगर चौक में डेली कम से कम दो हज़ार गाड़ी रेड लाइट जंप करती है और उसमें से मैक्सिमम जो हमारे सीनियर आदमी होते हैं विद फैमिली होते हैं विद बच्चे होते हैं और मेरा ख्याल है माइनस वन पॉइंट बच्चे जो है रेड लाइट जंप करते हैं नो डाउट अंडर एज बच्चे स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते हैं मगर उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कौन रिस्पॉन्सिबल है वो माँ बाप हैं हम लोग हैं तो अगर कम से हम तो चलान जरूर करते हैं मगर उनकी मजबूर भी होती है दो ट्यूशन तीन ट्यूशन इधर से उधर उधर से इधर भागते हैं बेचारे जाना पड़ता उनको मगर ये तो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उनके लिए वैसी की वैसी जो जैसे उनके ऊपर थोपा जाता है पढ़ाई का वैसे उनको, उनको सहूलत भी मिलनी चाहिए एक चीज़ सर और बताइए जैसे नॉइस पोल्यूशन डे बाय डे हमारा इंक्रीज होता जा रहा है फॉरेन कंट्रीज़ में एक रूल है कि हॉर्न्स पे स्पेशली बैंड वो लोग इस चीज़ को बहुत बड़ा एलिगेशन मानते हैं कि हॉर्न्स नहीं होने चाहिए बट यहाँ तो कंटिन्यूसली हम हॉर्न्स ही सुनते हैं तो आपको नहीं लगता उस चीज़ में इंडिया में बैन नहीं हो सकता बट कुछ कंट्रोल ज़रूर होना चाहिए हॉर्न्स के ऊपर मैं तो सिर्फ हॉर्न की बात नहीं करूँगा मैं टोटल चीज़ों की बात करूँगा जो भी ट्रैफिक रूल्स में आते हैं वैसे तो हॉर्न हमने पिछले एक साल से मेरा ख्याल अभी हज़ारों में हमने प्रेशर हार्न के चलान तो, चलान तो किए ही हैं और काफ़ी हमने उतार उतरवाया उतरवाए भी हैं और अब मेरा ख्याल अभी बहुत कम आपको ट्रक और बसों में प्रेशर हार्न लुधियाना में तो कम से कम बहुत कम सब लोग हमें बताते भी हैं बहुत कम हॉर्न बजते हैं हम तो स्ट्रिक्ट हैं मगर ये वैसा कानून भी होना चाहिए वो फैक्ट्री में बने ही ना वो सेल ही ना हो हर सारे डिपार्टमेंट को चाहिए यहाँ फिर वही बात आ जाती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दुकानदार भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, तो शायद वो प्रेशर हार ना सेल करें तो हर जितनी देर हर एक बंदा जो अपने कंट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा उतनी देर हमारा देश ना तो कनाडा अमेरिका बन सकता है ना चाइना जापान बन सकता है तो ये चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी ड्यू टू रेस्ट ड्राइविंग बहुत एक्सीडेंट्स होते थे यहाँ लुधियाना में तो लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली कितनी रेशो डाउन हुई है एक्सीडेंट्स में हमने काफ़ी इस पर ध्यान दिया है लास्ट ईयर शायद मेरा ख्याल है ए, शायद 500 के ऊपर थे ये चलान हाँ 500 के करीब थे हाँ 500 के करीब और इस बार मेरा ख्याल है अभी थ्री जो अभी तक का है रेशो है बस ये एक ये वन मंथ ही रह गया तो काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है हम उस पर भी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं लोगों को अवेयर करते हैं हमारी टीम टीम बनी हुई है स्कूल कॉलेज में जो जाके हमेशा जहाँ कोई टैक्सी स्टैंड है जहाँ कोई ट्रक यूनियन है हर जगह जाके जहाँ मैं और एसीपी साहब किसी भी स्कूल में जाके ट्रैफिक रूल्स के बारे में प्रोग्राम करवाते हैं और ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताते हैं तो ओवर स्पीड के हम जो है चलान भी काफ़ी करते हैं हमारे लुधियाना में एक हमारे पास कैमरा भी है जो स्पीड रडार जिसको बोलते हैं वो भी है उसके भी हम काफ़ी तादाद में चलान होते हैं तो जहाँ ओवर स्पीड और यहाँ रैश ड्राइविंग जो है तो वही चलान एक्सीडेंट का कारण बनती है उस पर हम काफ़ी पिछले साल से काफ़ी हम कंट्रोल कर चुके हैं और आगे से भी हमारी यही ट्राई है कि कम से कम चलान हो कम से कम होते हों मगर फिर वही बात आ जाती है कि मैं लोगों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें रैश ड्राइविंग ना करें कम से कम उनकी जान जो है उनके बच्चों के लिए उनके रिश्तेदारों के लिए उनके माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है एक चीज़ हमने अभी जैसे रिसेंटली हम सुन रहे हैं कि ट्रैफिक रूल्स में ड्यू टू विंटर्स थोड़ा सा चेंज आया है कि आपने शायद ये किसी को कि डायरेक्शंस चेंज कर लेनी चाहिए ड्यूरिंग फॉग ताकि एक्सीडेंट्स की रेशो कम हो जाए मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में हम अपनी कार कार्स को ड्राइव करें क्या ऐसा रूल कुछ अभी तक अप्लाई हुआ है नहीं हमारे पास अभी तक तो कोई ऐसा अभी तक रूल नहीं है सर आपको क्या लगता है ऐसा होना चाहिए क्योंकि फॉगी डेज में तो बहुत ज़्यादा ये रेशो बढ़ जाती है एक्सीडेंट्स की फॉग एडेज में एक तो सबसे जो ज़्यादा ज़रूरत है रिफ्लेक्टर की है वैसे हम भी काफ़ी प्रोग्राम करवाते हैं रोड के ऊपर एन की हेल्प से गाड़ियों के रिफ्लेक्टर लगवाते भी हैं हम पेपर में भी निकलवाते हैं और लोगों को भी बोलते हैं कि रिफ्लेक्टर लगाओ विदाउट रिफ्लेक्टर के हम चलान भी करते हैं तो फॉग में मैक्सिमम जो है रिफ्लेक्टर की बहुत ज़रूरत होती है ताकि सामने वाली गाड़ी जो है आती हुई दिख जाती है और जाते हुए भी दिख जाती है और एक मैं लोगों को यही अपील करूंगा कि फॉगी सीजन में कम से कम स्पीड पर कंट्रोल जरूर करें अपनी स्पीड पर कंट्रोल रहेगा तो थोड़ा एक्सीडेंट में बचा रहेगा सर लास्ट में बस हम एक चीज़ आपसे चाहेंगे कि यहाँ के लोगों को स्पेशली लुधियानवीज को एक आप मैसेज जरूर दीजिए फॉर सेफ से, से एंड सिक्योर से ड्राइविंग हमेरी लुधियाना ने मेरी देशवासियों की भी ये रिक्वेस्ट है कि डिसिप्लिन में रह कर ट्रैफिक रूल फॉलो करें जितनी देर हम डिसिप्लिन में रह कर ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करेंगे तो उतनी देर हमारा ही नुकसान है उसमें हम ही ट्रैफिक में फंसेंगे जाम में फंसेंगे या एक्सीडेंट में फंसेंगे जो भी मतलब ट्रैफिक के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आती है तो हर एक इंसान अपनी ड्यूटी समझे लेन में चले रेड लाइट जंप ना करें नो एंट्री में ना जाएं ता जो ट्रैफिक जाम ना हो हमारे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि नो एंट्री में जाने की आदत भी हमारी बहुत लोगों की बहुत है तो नो एंट्री में जब जाते हैं तो सामने से ट्रैफिक आता तो नेचुरली या ट्रैफिक जाम होगा लेन में ना चलने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आगे जाके गाड़ी फंसा के एक घंटा खड़े रहेंगे मगर स्टार्टिंग में लेन में नहीं चलना क्योंकि वो लोगों को आदतें नहीं हैं लोग कोशिश नहीं करते सिर्फ यही यही लोगों को दिमाग में ये बैठ गया भी अगर कोई ट्रैफिक वाला रोकेगा तो फिर ही हम रूल फॉलो करेंगे नहीं अपने आप हम नहीं और मैं एक आपको मेरा और एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं जिस लाइट सिग्नल पे हमारा मुलाजम ट्रैफिक मुलाजम नहीं होता वहाँ लोग रुकने की ज़रूरत ही नहीं समझते बेशक रेड लाइट हो मेरी गाड़ी वहाँ रुकती है हमारे सीपी सर की रुकती है डीसी सी सब की रुकती है और लोग हमारे पास से गुज़रते गुजर जाते हैं रेड लाइट जंप करके सो मेरी अपील यही है कि थोड़ा ट्रैफिक रूल्स थोड़ा नहीं ट्रैफिक रूल्स तो बिल्कुल फॉलो करे ताजो एक्सीडेंट भी ना हो और ट्रैफिक के जाम की समस्या भी ना आए सो मच सर गिविंग अस योर फ्रेशियस टाइम तो ये थे हमारे साथ ए डी सी पी मिस्टर सुखपाल सिंह बराड़ जिन्होंने हमें गाइड किया कि हम सब मिलकर उनके साथ कॉपरेट करके ट्रैफिक प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक लड़ सकते हैं ताकि हमें आने वाले टाइम पर ट्रैफ़िक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स ना आए कैमरा मैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा टाइम्स पंजाब टी वी